के आइटम नंबर में कौन सी हीरोइन नजर आने वाली है और ये कौन सी हीरोइन होंगी जो फिल्म का तापमान जरा बढ़ाने वाली है, तो आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं जैनी शाहनवाज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में, जहाँ आज हम बात करेंगे आने वाली फिल्म रैम्बो के बारे में। तो दोस्तों, मुझे लगता है शायद आप लोग अभी तक नहीं जाने हैं कि फिल्म की हीरोइन कौन है। क्या मैंने आपको पहले नहीं बताया? दोस्तों बताया है, और अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर पहले उस वीडियो को देखकर आइए, तो आपको साफ पता लग जाएगा कि फिल्म की हीरोइन कौन है। लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि फिल्म की हीरोइन जैकलिन फर्नांडिस नहीं है। जी हाँ, इस फिल्म में जैकलिन फर्नांडिस हीरोइन बनी नहीं नजर आएंगी। तो अब सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इस फिल्म को डायरेक्ट किसने किया है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है रोहित धवन ने, जो कि हैं डेविड धवन के बेटे और वरुण धवन के भाई, जिन्होंने पहले ढिशूम और देसी बॉयज जैसी मूवीज बनाई। तो धवन के साथ जैकलिन फर्नांडिस का रिश्ता जरा पुराना रहा है। फिल्म ढिशूम में रोहित धवन की डायरेक्शन के अंडर हमें नजर आई थी जैकलिन फर्नांडिस, और वो भी उनके भाई वरुण धवन के साथ। दोस्तों, एक्टर्स जब फिल्म की शूटिंग करते हैं तो वो सेट पर बहुत मस्ती करते हैं, और खास करके जब कमर्शियल फिल्म्स की शूटिंग हो रही हो। एक्टर तबू ने भी आज तक डेविड धवन के साथ बहुत काम किया है, तो उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा था कि वो सेट पर होने वाली इस मस्ती को बहुत मिस करती हैं। तो अब ऐसे करते करते ही जैकलिन फर्नांडिस की दोस्ती वरुण धवन से हो गई, और इतना ही नहीं डेविड धवन और रोहित धवन से भी हो गई। इंटरनेट पर जैकलिन और वरुण की दोस्ती साफ नजर आती है। इन दोनों की इस दोस्ती को आगे बढ़ते हुए हमने फिल्म जुड़वा 2 में देखा था, जब ये दोनों साथ ऑन स्क्रीन नजर आए थे। इन दोनों की दोस्ती उस फिल्म के साथ साथ उस फिल्म में काम करने के बाद बढ़ गई थी। और दोस्तों, मजे की बात यह है कि उस फिल्म को भी डायरेक्ट करने वाले और कोई नहीं बल्कि डेविड धवन ही थे। तो ऐसे में जब जैकलिन की दोस्ती धवन के साथ इतनी गहरी हो गई, तो रोहित धवन ने जैकलिन फर्नांडिस को अपनी आने वाली नेक्स्ट फिल्म आला विक्रांत पुनमालू में लीड रोल प्ले करने का ऑफर दिया। लेकिन अभी तक जैकलिन फर्नांडिस ने इस फिल्म को करने के लिए कोई हामी नहीं भरी है, अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। लेकिन अब जैकलिन फर्नांडिस हैं तो इनकी दोस्त थी, तो अब जहां वो फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, उन्होंने एक वादा जरूर किया है कि उनकी आने वाली फिल्म रैम्बो में वो एक आइटम नंबर जरूर करेंगी। और साथ साथ मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि जैकलिन फर्नांडिस आजकल बहुत बिजी हैं। वो अपनी फिल्म भूत पुलिस सर्कस और यहाँ तक कि बच्चन पांडे में काम कर रही हैं, और इसके चलते बहुत बिजी हैं, लेकिन साथ साथ बहुत एक्साइटेड भी हैं। तो अब दोस्तों, फिल्म की हीरोइन के लिए तो आपको पुराना वीडियो ही देखना पड़ेगा, लेकिन इस वीडियो में आपको एक बात साफ पता लग गई कि फिल्म में आइटम नंबर करती हुई नजर आएंगी जैकलिन फर्नांडिस, यानी कि फिल्म का तापमान बढ़ाती हुई नजर आएंगी जैकलिन फर्नांडिस। इससे पहले भी हमने जैकी का एक आइटम नंबर टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 2 में देखा था, और इतना ही नहीं द फ्लाइंग जट में भी वो हमें टाइगर श्रॉफ के साथ लीड किरदार में नजर आई थी। आज तक जैकी यानी कि जैकलिन फर्नांडिस हमें धन्नो 1, 2, 3 ऐसे आइटम नंबर्स में नजर आई हैं। तो अब आप लोगों को क्या लगता है कि आने वाली फिल्म में क्या जैकलिन फर्नांडिस का जादू फिर चल पाएगा? क्या उनके हुस्न से फिर से सबका कत्ल हो पाएगा? तो दोस्तों, ये सब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और तब तक के लिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मैं जैनी शाहनवाज लेती हूँ आप सभी से विदा।